भाभी जी घर आए पंखटी बजाए, भाभी जी घर आए पंखटी बजाए। ऐसे स्वागत करते हैं क्या ना मुझे दे। पंकज की शादी हो गई, पंकज की बैंड बज गई, यो यो तेरी तो लग गई। मैं स्वागत कर रहे हो, गाली दे रहे हो, साइड हटो, अंदर आने दो। भाभी को बैग उठवा रहे हो, निकम्मो हराम खोरो, तुम्हारे फूफा की बीप बीप बीप, बैग पकड़ो, पकड़ 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 पकड़। थैंक यू देवर जी, आज इस बैग में पंकज के लिए सरप्राइज है। और सरप्राइज बेबी, सरप्राइज ना मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। अच्छा लंबे सफर से आई हो, थक गई होगी ना, चलो कपड़े वगैरह चेंज कर लो, थोड़ा फ्रेश हो लो। ओके पति देव, चलो चलो। देख रहा है लड़की के आते कैसे बदल गया पंकज, अभी से ही नोटबुक में रहना चाहता है। नोटबुक नहीं, गुडबुक होता है वो। हाँ हाँ जो भी है। और ये बैग, ये बैग कौन उठाएगा, गुड्डू भैया? अजी हाँ। पंकज क्यूट बीवी नहीं, खूनी बीवी लाया है, और वो सरप्राइज बैग में। लगता है ये पंकज भैया की आखिरी लात होने वाली है। यो यो अबे गधो, तुम दोनों अभी तक यहीं पे हो, बैग क्यों नहीं रखा? अरे पंकज अगर ये बैग अंदर रख दिया ना तो पंकज तू तो गयो, तू गयो। क्या बकवास कर रहा है, जल्दी बैग रख, इसमें सरप्राइज है। पंकज मेरी बात सुन। हाँ मुझे भी सुनाओ, और अगर तुम्हारी बात मुझे अच्छी नहीं लगी तो इस चाकू से। किस चाकू से क्या? मिर्ची काट के तुम्हारे खाने में मिला दूंगी। मिर्ची? क्या मजा की बीवी मिली है मुझे, मेरी तो लाइफ ही सेट हो गई। बेबी मुझे बहुत गर्मी लग रही है। बेबी को गर्मी? ओए छोटे लोग, भाभी के लिए शरबत बना के लाओ, ठंडा ठंडा कूल कूल, भाभी तुम्हारी ब्यूटीफुल। लाल रंग मेरा फेवरेट है तो लाल शरबत बनाना, ठीक है? हाँ जल्दी बना दो। चलो बेबी। सुना, लाल इसका फेवरेट कलर है, रात को पंकज के खून को केचप समझ के पी जाएगी। यार हम ऐसे पंकज को नहीं मरने दे सकते, ये खूनी बीवी पंकज को बम से उड़ा देगी, क्या करें? आइडिया। ये क्या है? ये खुशी वाला पाउडर, इसे डाल देते शरबत में, पूरी रात खुजाते रहेगी और पंकज बच जाएगा। अरे व्हाट एन आइडिया सर जी, डाल डाल। जल्दी जल्दी जल्दी। चल 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 आजा। तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं कोई जान नहीं जाएगी, कोई जान नहीं। नहीं कैसी बात कर रहे आप भाई। अरे नहीं, लीजिए शरबत पीजिए भाभी जी। अबे हराम खोरो, तुम्हारी टाइमिंग ना बहुत खराब है, हमेशा गलत टाइम पे आते हो। ला शरबत दे। नहीं 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 नहीं, राइट वाला तेरा, लेफ्ट वाला भाभी जी का। ऐसा क्यों? क्योंकि दिल होता है ना लेफ्ट साइड में, और भाभी जी आपके दिल में कौन है? पंकज भाई, तो इसलिए लेफ्ट वाला भाभी जी के लिए। वाह गुड्डू, मैं तो तुझे चमन भूतिया समझता था, लेकिन तू तो स्मार्ट निकला। ला दे। तुम इतने प्यार से शरबत लाए तो पहले तुम पी के दिखाओ। नहीं मेरा तो करवा चौथ का व्रत है ना, पर तू तो सिंगल है। अरे तो फ्यूचर में कभी तो मिंगल होऊंगा ना, तो उसके लिए व्रत रख रहा हूँ। रिदू तू पी ले। मैं बच्चों को शरबत नहीं पीता, ओनली पटियाला ऑन रख। नहीं 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 नहीं, भाभी के हाथ से पीना ही पड़ेगा, नो ऑप्शन। हाँ भाभी ने बोला मतलब बम का गोला। नहीं Oh
ओए दोनों चिंपांजियों यहाँ से बाहर जाओ, चलो दोनों को अकेला छोड़ो हमें, जाओ। अच्छा बेबी, आपने ना शादी करोना .com पे लिखा था कि आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। हाँ, वो हम एक बॉडी में से ऑर्गन्स निकाल के दूसरी बॉडी में डाल देते हैं, तो हुआ ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस। मतलब मरे हुए लोगों में से निकाल के जिंदा लोगों में, राइट? हाँ, बहुत मजा आता है, जान बचाते हैं ना हम, सोशल सर्विस करते हैं। पंकज तू गयो, पंकज तू गयो। वाह बेबी, आप तो बहुत अच्छा काम करती हो, लेकिन ये सब करती कैसे हो? मैं बॉडी लाती हूँ और मेरे वर्कर्स उस बॉडी में से कान, नाक, आंख, लीवर, किडनी सब निकाल लेते हैं, बहुत मजा आता है। और वो बॉडी कैसे मिलती है? वो तुम्हें आज रात को पता चल जाएगा, तुम्हें सब समझा दूंगी, बड़ा मजा आएगा। अरे बेबी, आपने तो करंट ही मार दिया। अभी इसको उड़ती हुई पप्पियां दे रही है, बाद में इसी को उड़ा देगी। ब्रो, ये तो पंकज का लिवर किडनी बेचकर अमीर बन जाएगी। यो यो भाई, वैसे तो पंकज को अगर बेचने जाए तो 10 रुपए से ज्यादा ना मिले, लेकिन इसको अगर लिवर बेचा तो एक आईफोन तो आ ही जाएगा। अब क्या करें? हमें पंकज को बैग के बारे में बताना ही होगा, लेकिन सीक्रेटली, क्योंकि अगर स्वीटी को पता चल गया तो वो हम दोनों की भी किडनी बेचकर आईफोन ले लेगी। क्या करें? आइडिया, तो तू हमेशा गलत टाइम पे आता है। इधर आ, तुम्हारी तो हमेशा गलत टाइम पे, हमेशा गलत टाइम पे आते हो, हमेशा। छोड़ूंगा नहीं आज तुम्हें, छोड़ूंगा नहीं आज तो, आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बोलो अब क्या काम है, अब क्यों आए तुम दोनों? भैया भाभी, चलो ना गेम खेलते हैं, मजा आएगा। यो यो, बहुत मजा आएगा, चलो खेलते हैं। यो यो, और अगर गेम में मजा नहीं आया ना तो जान से मार दूंगा तुम दोनों को। चलो चलो। देखो, बहुत ही सिंपल गेम है, मैं इस पेपर पे एक शीट ड्रॉ करूंगा और तुमको लेकर आना है, सिंपल। इस साले इतना टट्टी गेम, आज मेरा हनी मून है, टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है तू मेरा? देख तेरे मून में से हनी निकल जाएगा, समझ? गेम खेल। अच्छा ठीक है, चल जल्दी कर। चलो पहली ड्राइंग रद्दू के लिए। हो गया, इतना सिंपल, अभी लेकर आया। रिड्यू कितना स्मार्ट है। चलो अगली ड्राइंग पंकज के लिए। अबे चपड़ गंजू, पता है ये बैग है, इस पे नाम लिखने की जरूरत नहीं, रुक अभी लेके आया। रुको रुको, मेरे होते हुए मेरे पति क्यों बैग लेके आएंगे, मैं लेके आती हूँ। इतनी केयरिंग बीवी लेकर आया हूँ, इसके लिए तो मैं जान भी दे दूँ। अरे वो तो वैसे भी लेकर रहेगी। तुम रुको, मैं लेके आती हूँ। इस बार तो मेरे हनीमून के बीच में है ना, तो इतना भी तुम्हारे लीवर किडनी सब बाहर आ जाएगा। अरे वही तो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लो, अब ये सब गेम छोड़ो, ये बहुत बोरिंग गेम है, कोई शादी वाली गेम खेलते हैं। देखना अंगूठी तो मुझे ही मिलेगी। नहीं मुझे मिलेगी। अरे मुझे मिलेगी। आ, मिल गई। अब जीत गए तो सरप्राइज में और भी मजा आएगा।
I will be waiting, baby. अरे यार, इस नादान पंकज को क्या पता कि वो सरप्राइज गिफ्ट नहीं बल्कि ऊपर जाने की लिफ्ट है। पंकज भाई, वो सुबह बैठता है उसमें। अरे चलो चलो, अब दूसरी गेम खेलते हैं, वो जो देवर के साथ खेली जाती है ना, वो वाली गेम, छड़ी गेम। छड़ी गेम? हाँ, छड़ी गेम। अब पति देव को सरप्राइज देने का टाइम आ चुका है, चले पति देव। मेरी बेबी ने बोला चलो तो चलो, चलो बेबी। पंकज रुक, ये तेरी बीवी क्यूट बीवी नहीं है, ये खूनी बीवी है। ब्रो, ये आपके किडनी बेच कर पैसे कमाएगी। यो यो, अबे ओ स्वीटी, मेरा सच्चा प्यार है, बकवास मत करो तुम। अरे घनचक्कर, अगर तुझे यकीन नहीं है तो जा, ये जो बैग लाई है ना उसको खुद चेक कर ले। ये क्या है स्वीटी? पता है, जब हम पहली बार मिले थे तो तुमने मुझे कहा था कि तुम्हें चोर पुलिस खेलना है शादी वाली रात को, तो ये सब मैं इसीलिए लेके आई थी। ये सब टॉयज है, ये देखो। सॉरी बेबी, सॉरी, मैंने इन पकोड़े जैसी शक्ल वालों पे भरोसा करा और तुम पे शक किया। अबे वो पकोड़ो, सॉरी बोलो भाभी को। सॉरी भाभी जी। इट्स ओके कुत्तों की शक्ल वाले देवर जी। मैंने तुम दोनों को माफ किया। सो क्यूट बेबी। चलो चोर पुलिस खेलते हैं, मैं अंदर जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ। मैंने तुम्हें व्हाट्सएप मैसेज किया है, चेक कर लेना। सारे मेरे हथियार दिखाकर तुम मुझे फंसा दोगे? तुम्हें क्या पता, इस सारे हथियारों को मैंने खिलौनों के साथ बदल दिया है। गेम ओवर देवर जी। ये क्या वीडियो भेजी है? तो अगर आप इस खूनी दुल्हन का पार्ट 2 देखना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करो। भाई सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो आजकल आप? सब्सक्राइब करो, तोड़ दो उस बटन को। चलो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।